दोस्तों नमस्कार। आज हम एक पंखे का वाइंडिंग करने वाले हैं और ये जो पंखा है पूरा जल चुका है, जो रनिंग का कॉइल है। दोस्तों हमने कटर के ज़रिए पंखा का जो कॉइल है उसको काट रहे हैं और इसमें काटने में बहुत ही जल्द कट जाता है क्योंकि इसमें टाइम का बचत होता है। और हम यदि कटर से काटते, अपने हाथ से काटते तो उसमें लेट होता है और उसमें फिनिशिंग से भी नहीं कटता है। जिस फिनिशिंग से कटर काट देगा उस फिनिशिंग से उसमें नहीं कटता है। दोस्तों हमारा जो कॉइल है फाइनली कट चुका है। उसके बाद हम इसको नोस प्लास के ज़रिए यहाँ पे हम उसको सीधा करेंगे। दोनों कॉइल को हम सीधा करके आपस में जो जुड़ा रहता है एक स्लॉट में, उसको दोनों को सीधा करके नोस प्लास के ज़रिए उसके बाद हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद ऐसा निकलना चाहिए जैसे कि इसके जो स्टेटर है, इसका जो पत्ती आपस में जुड़ा रहता है वो अलग ना हो। दोस्तों अलग होने से क्या होता है, जो उसका पत्ती अलग हो जाता है तो उसमें जो है लाइफ पंखे की अच्छी नहीं रहती। दोस्तों जो स्टेटर का जो रनिंग कॉइल है उसको हम निकाल चुके हैं नोस प्लास के ज़रिए। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग का भी जो कॉइल है उसको कटर के ज़रिए काट लिए हैं। दोस्तों हमने काटते समय वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको नोस प्लास के ज़रिए काट चुके हैं। उसके बाद नोस प्लास के ज़रिए सीधा कर रहे हैं। उसके बाद हम जो स्टार्टिंग का है उसको कॉइल को बाहर करेंगे। दोस्तों जो नोस प्लास के ज़रिए हम कॉइल को बाहर कर रहे हैं, देख रहे हैं सेकंड नहीं लगता है पंखा कितना, पंखा का जो कॉइल है कितना फास्ट निकल रहा है। दोस्तों कटर में जो फिनिशिंग आता है उसमें बहुत फास्ट निकल जाता है सीधा करने के बाद। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो कॉइल है रनिंग स्टार्टिंग दोनों हमने निकाल चुके हैं कटर के ज़रिए काट के और नोस प्लास के ज़रिए। दोस्तों ये हमारे पास दूसरा पंखा है, इसको भी हम जो है रनिंग को निकाल चुके हैं और स्टार्टिंग को हम कटिंग कर रहे हैं। इसको भी कटिंग करने के बाद हम निकाल के इस पर वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों हम स्टेटर में फाइनली जो है स्लॉट पेपर लगा चुके हैं। अब इसको हम मशीन में सेट करते हैं, उसके बाद हम फिर इसको वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों हमने फाइनली मशीन पे सेट कर चुके हैं और यहाँ पे है देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा जो मशीन चल रहा है और जो है पंखा वाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है रीला और वो है 36 नंबर का तार और यहाँ पे है निस्याम कंपनी का मशीन जिससे हम वाइंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और दोस्तों यदि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।